सर जब हम लोग भर्ती ग्राउंड पे बैठते हैं तो किस तरह के पोजीशन ग्राउंड का बिल्कुल साइड एरिया यहाँ पर बैरिकेडिंग लगी हुई बंदा होता है वो क्या करता है कि बिल्कुल किनारे की तरफ भागने की कोशिश करता है। जय हिंद जय हिंद जय हिंद नमस्कार इंकलाब जिंदाबाद भारत माता की जय। दोस्तों कैसे आप सभी एक बार फिर आ जाओ एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों बहुत सारे के बंदों के कमेंट्स आ रहे थे कि अभी भर्तियां चलने वाली हैं भर्ती आने वाली है तो बहुत सारे बंदे ये पूछ रहे थे कि सर जब हम लोग भर्ती ग्राउंड पे बैठते हैं तो किस तरह के पोजीशन। बहुत सारे बंदे ये कहते हैं कि सर जो आगे बैठ जाता है वही निकलता है, लेकिन मेरा ये मानना नहीं कि मेरा मानना ये है कि जिनके अंदर दम होती है वही निकलता है। आप चाहे पीछे बैठो या बीच में बैठो या आगे बैठो, इसी तरह बहुत सारे तरीके यही बहुत सारे तरीके बच्चों के जो डाउट्स हैं ये हम आज इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। ये सारे बच्चों बैठे हुए हैं, मैं पीछे वाले के लिए बताऊंगा कि आप पीछे बैठे हैं तो कैसे निकलना है, उधर बैठे हैं तो कैसे निकलना है। आगे वाले कभी कभी ऐसा होता है कि जो आगे बंदे बैठे होते हैं वो भी रनिंग में फेल हो जाते हैं, कारण आपने प्रैक्टिस नहीं की, आपके अंदर दम नहीं है, आप एक्टिव नहीं थे, आप तेज भागे नहीं है तो आप गिर गए, पीछे वाले बंदे आपको डैमेज कर दिए और आप नहीं निकल पाए। आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अगर आप यहां पर ये होता है ग्राउंड का बिल्कुल साइड एरिया, यहां पर बैरिकेडिंग लगी होगी, अंदर पूरा प्रशासन होगा यानी आर्मी के पूरे बंदे होंगे और यहां पर अगर कोई बंदा बैठा है जैसे वहां पर इतनी भीड़ इससे भी ज़्यादा रहती है, समझ गए ना, वहां पर कम से कम अभी कितनी हो रही है नहीं पता, लेकिन पहले जो रैली भर्ती हो रही थी वहां पर 300 से प्लस बंदा रहता था, अब 300 इतने में बैठा हुआ है। अब जब गो बोला गया तो हर एक बंदा एक्टिव होता है, एक्टिव यानी पूरा आगे को भगता है। अभी इस बंदे को यहाँ पे बैठा दिया गया, इस बंदे ने प्रैक्टिस नहीं की, ये नॉर्मली भर्ती देखने आ गया, फॉर्म फिलअप कर दिया, ये समझ लो कि 70% ऐसे बंदे होते हैं जो विदाउट प्रैक्टिस सिर्फ फॉर्म भर देते हैं और ये सोचते हैं कि हम आर्मी में भर्ती हो जाए, और 30% लोग ऐसे होते हैं कि जो रात दिन मेहनत करते हैं अपना पसीना बहाते हैं और तब आके जाते हैं भर्ती ग्राउंड पे। तो रेस कौन मारेगा? 30% वाला। अब ये 70% में शामिल है, यहाँ पर इनको आगे चांस मिल गया बैठने का। अभी क्या हुआ, इसी तरह बैठे, जैसे गो बोला गया जो एक्टिव बंदे थे वो खट से निकल कर आ गया और ये कहाँ हो गए। अब यहाँ पर कैसे इसको बंदों को निकलना है, यहाँ पर जो भी बंदा बैठेगा उसको रहना है एक्टिव रहना है, जैसे गो बोला जाएगा इसको लगाना पड़ेगा थोड़ा ताकत लगाना पड़ेगा और 100-200 मीटर स्पीड खींच के जाना होगा। अगर आप स्पीड खींच के नहीं जाएंगे तो पीछे वाले बंदे आपको गिरा देंगे और फंस जाओगे, ठीक है। सेम यहाँ तक यही बंदे करेंगे, यहाँ तक इतने बंदे करेंगे यही प्रक्रिया। अब अगर आप बीच पे बैठे हो और बीच पे बैठे हो तो देखो पूरा बंदा तो सारा बीच को ही भगता है, इधर वाला भी सोचता है मैं वहाँ ना फंसूँ तो ये भी भगता है, तो बीच वाले को भी क्या करना है। अब बीच वाला क्या करता है, बिल्कुल यहाँ वाला बंदा पूरा किनारे को भगता है, समझ रहे हो। अब अभी आप लोगों को क्या करना है, अगर यहाँ पर आपकी पोजीशन बैठती है तो आप लोगों को किनारे की तरफ नहीं भगना, किनारे में लास्ट में उधर नहीं भगना, जहाँ बैरिकेडिंग लगी होती है उधर नहीं भगना, ठीक है। आपको बिल्कुल सीधे रनिंग करना है, कम से कम जहाँ पर आप बैठे होंगे जिस ट्रैक पर बैठाला जाएगा जिस एरिया में कम से कम आपको 50 मीटर तो सीधे रनिंग करने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर कॉर्नर आएगा तो आप अपने सीट से ही रनिंग करो। अगर अपने सीट से ही रनिंग करोगे तो आप बगल वाले को डिस्टर्ब नहीं करोगे और इधर वाले को डिस्टर्ब नहीं करोगे, समझ गए। अब यहाँ की बात करें, ये वाले बंदे क्या करते हैं, यहाँ पर जो बंदा बैठता है ये क्या करता है कि ये सोचता है कि अब मैं बिल्कुल वहाँ पर पहुँच जाऊँ एक नंबर पे। यहाँ पर जो भी बंदा बैठेगा, जो भी जब स्टार्ट रनिंग होगी तो आपको भी बाहर से भगना है, क्या करना है, बाहर से भगना है। वो भी बंदा डिस्टर्ब नहीं, क्या पता आप उसके लेन पे आ रहे हो, पता चला कि आप ही गिर गए तो क्या करोगे, गिर गए तो आपकी भी रनिंग बेकार हो गई ना, तो आप यहाँ से सीधे भगेंगे और कम से कम 100-150 मीटर स्पीड से जाएंगे, फिर इसके बाद अपने आप ट्रैक ही आपको खाली मिलने लगेगा, फिर आप साइड करो, समझ गए। अगर कोई भी बंदा अगर बीच में फंस जाता है, यहाँ पर जैसे फंस गया, अब वो क्या करता है, बहुत सारे बंदे क्या करते, जितने एरिया के बंदे होते हैं पूरा इस एरिया के जितना भी बंदा होता है वो क्या करता है कि बिल्कुल किनारे की तरफ भगने की कोशिश करता है, लेकिन आप लोगों को नहीं, कुछ नहीं करना, आप लोगों को ये वाला स्पीड बंदा जाएगा इन्हीं के पीछे की तरफ भगना है, इधर की तरफ नहीं भगना, क्योंकि उधर वाला भी बंदा क्या होगा, पीछे वाला भी समेट के कहाँ आएगा, इधर आएगा। अच्छा इधर आएगा तो भीड़ होगी, अच्छा भीड़ होगी तो गिरोगे, अच्छा गिरोगे तो दो चार फंस जाओगे, रनिंग अच्छे बंदे भी गिर जाते हैं, तो ये बीच वाला भी क्या करेगा कि आप लोग कोशिश करो, ये बीच वाले भी कहाँ की तरफ भगना शुरू करेंगे, आगे की तरफ। बहुत सारे बंदों को समझ में नहीं आता, जो वीडियो नहीं हमारा देखेंगे उनको तो यही होगा कि यार किनारे की तरफ भगो, अब जिन्होंने हमारा वीडियो देख लिया और जो देख भी रहे हैं वो साइड की तरफ भगेंगे, आप साइड की तरफ भगेंगे वहाँ एरिया खुला मिलेगा, आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा और बाहर निकल जाएंगे कि नहीं, ये बीच का एरिया होगा। अभी क्या करेंगे,
अगर आपका नंबर इधर लग जाता है, अगर आपका इधर नंबर लग जाता है, तो आपका काम क्या है कि आप यहां से सीधे बाहर की तरफ भागेंगे। जितना प्रयास बीच वाले को करना पड़ेगा उतना इतना नहीं, इसको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो डिस्टर्ब होगा। 4 से 5 सेकंड बच्चों को हटाने, बच्चों को निकलने में डिस्टर्ब हो जाएगा। ये वाला बंदा सीधे बाहर की तरफ भागेगा। बस इसको थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी और थोड़ा अपना प्रयास करना पड़ेगा, स्पीड लेनी पड़ेगी, समझ गए ना। और आगे निकल जाएगा, आगे निकल के अपने आप बीच में आ जाएगा किनारे दौड़ने में, ठीक। अब एक चीज, बहुत सारे बंदे जब इधर बैठे होते हैं, आप लोगों को खींच के जाओगे, अब खींच के कंटिन्यू पूरा 400 मीटर नहीं जाना है, सिर्फ आपको 150-200 मीटर जाना है। इसके बाद अपनी बॉडी को रिदम पे लाना है। रिदम का मतलब समझते हो, जो मैं आप लोगों को यहाँ सिखाता हूँ कि एक मिनट 20 सेकंड में कैसे राउंड करना है, 1 मिनट 15 सेकंड में कैसे करना है, 1:25 में कैसे करना है। रिदम क्यों सिखाता हूँ आप लोगों को, इसीलिए सिखाता हूँ ना कि आप लोग जब खींच के जाएंगे तो अपनी बॉडी को रिदम में लाएंगे, स्पीड वही रहेगी, लंबी सांस लेंगे और चलते रहेंगे, समझ गए। अभी जो बंदा यहाँ पर फंसता है, ये वाला बंदा, अभी क्या करते हैं कि यहाँ पर जितने भी बंदे ये वाले बैठ जाते हैं, अभी वो वाले बंदे 150 मीटर पे पहुंच पाते हैं, 150 मीटर पहुंच जाते हैं, तब ये बंदा यहाँ से उठ पाते हैं। होता है कि नहीं ऐसा होता है, तब ये बंदे यहाँ से उठ पाते हैं। अभी क्या करना है, यहाँ पर अगर कोई बंदा फंसता है तो आप लोग यहाँ गुंजे नहीं रहना है, यानी यहाँ पर रहना नहीं है, आप लोग को साइड से भगना है। जहाँ से जगह मिलती है, बाहर से जगह मिलती है, बाहर से कट मारो, कहीं से भी बस आगे निकलना है। जब भीड़ 2-4-10 बंदे यहाँ से निकलेंगे तो भीड़ खत्म होगी, तो उनको भी मौका मिलेगा, समझ रहे हो। अगर एक ही जगह सब लोग गुड़मुड़ाते रहोगे तो पूरे के पूरे फेल हो जाएंगे, आगे टाइम नहीं मिलेगा। अब देखो 5:30 टाइम मिलता है, अगर आप लोग 15 सेकंड यहीं पे तोड़ देंगे तो आप कितना खींचोगे, कितना खींचोगे, अच्छा बंदा भी फेल होगा। तो ध्यान रखो, आप लोग अपनी पोजीशन का ध्यान रखो कि कैसे बैठना है और कैसे निकलना है, ठीक है। और एक चीज, जितने भी बंदे रनिंग कर रहे हैं, जितने भी रनिंग के लिए जाते हैं, तो आप लोग अपना पूरा 100% शुरू में नहीं देना है। अगर आप लोग अपना पूरा 100% शुरू में दे दोगे तो बाकी समय नहीं बचेगा, यानी बाकी आप लोगों की ताकत नहीं बचेगी, बचेगी नहीं, खींच पाओगे। आपको शुरू में कम से कम 70% ही देना है, इसके बाद 70% से डाउन होकर आपको 50% स्पीड के साथ आना है, समझ गए। 50% स्पीड के साथ आओगे तभी आपकी रनिंग हो पाएगी, क्योंकि कोई भी बंदा हो, कोई भी खिलाड़ी हो, अपना पूरा 100% शुरू में देगा तो जीरो हो जाएगा। और जो प्रैक्टिस किए हुए कंटिन्यू, आप जैसे बंदे जो प्रैक्टिस करते हैं सुबह शाम 2.5 घंटे 3-3 घंटे अपनी बॉडी को जलाते हैं, पसीना बहाते हैं, उनकी थाई नहीं भरेगी, मसल्स पेन नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने सिर्फ 1600 मीटर ही पर डे किया है और फोन पे बिजी रहे, उनकी बॉडी जरूर भरेगी। तो ध्यान रखो, चाहे यहाँ के बंदे हो चाहे बाहरी बंदे हो, सभी हमारा जितने भी वीडियो देख रहे हैं, ध्यान रखो कि आप लोग किस तरह रनिंग करना है, ठीक है। पोजीशन पता चल गई, इसी तरह करना है। और एक चीज, बैठने की नीलिंग पोजीशन, मतलब पोजीशन कैसी होनी चाहिए। आप लोग भर्ती ग्राउंड में जब भी बैठते हो तो बहुत सारे बंदे क्या करते हैं कि आराम से बैठ जाते हैं, जैसे रनिंग स्टार्ट होती है इस तरह, जैसे पूरा बैठो पुलती मार के, ऐसे बैठ गया। अब वहाँ पर गो बोला तो खड़े होते होते 2-3 सेकंड लगेगा, तब तक पीछे का बंदा आगे आ जाएगा, आप लोग दिक्कत नहीं। आप लोग इस तरह एक्टिव बैठो भाई, अगर आपने रनिंग किया तो एक्टिव बैठोगे, अब रनिंग नहीं प्रैक्टिस की है तो आप लोग बिल्कुल आराम से बैठोगे, जैसे वहाँ पर पंगत खाने के लिए गए, समझ गए। तो ये नहीं करना है, एक्टिव बैठना है, कैसे बैठना है ये बताओ मेरे को, और आराम से बैठना है ना, इस तरह बैठना है, इस तरह बैठना है, पूरा यूं है ना। और जैसे हल्का पैर पेन हो जाता है तो चेंज कर लेना, आराम से ऐसे बैठना है इस तरह, समझिए। और एक चीज, जितने भी यहाँ पर बंदे बैठे हुए हैं, ये यहाँ पर एक चीज, कभी भी उसके पीछे, जैसे ये बंदा जैसे अब खड़ा होगा, फिर अपनी पोजीशन पे ले, पोजीशन पे बैठ, अब जैसे बिल्कुल चपक के बंदा बैठ जा पूरा चपक के बैठ, है ना। अभी क्या करेगा, जब ये खड़ा होगा, पूरा तेज से खड़ा हो, पूरा तेज खड़ा हो, ये अब ये जैसे ये तेज खड़ा होगा बैठना, तो इसका ये, इसका बॉडी इसके ऊपर लग जाएगा ना। तो आपको क्या करना है, आपको ये नहीं करना, लाइन तो बैठी हुई है लेकिन आपको हल्का साइड से बैठना है, कैसे साइड से बैठना है। इतना जब साइड से बैठेगा, ये इधर को उठेगा, मैं इधर को उठूंगा, ये ऐसे बैठेगा, ये ऐसे बैठेगा, इसी तरह सभी ये सब निकल जाएंगे। अगर इसके पीछे बैठोगे तब तक ये खड़ा होगा, तब तक आप डिस्टर्ब हो जाओगे ना। तो यही सारी प्रक्रिया आप लोग अपनानी है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि हमारा वीडियो, हमने अपने बच्चों को कैसे सजेस्ट किया, आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं तो आप लोग भी भीड़ से निकलेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलूंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।